दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही था कि आज टीम इंडिया फाइनल मुकाबला पर खेल रही है और टीम इंडिया फाइनल मुकाबला जीत भी लिया है 7 रनों से। उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आज के इस मैच में कि क्या अच्छा पॉइंट रहा है, किस नजरिए से लोग इसको देख रहे हैं। पूरे देश से अगर बात करें तो पूरे भारत देश के 140 करोड़ लोगों की भावना जुड़ी हुई थी इस मैच से और टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई कि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। और मैं आपको बता दूं कि टीम इंडिया शुरू से लेकर लास्ट तक एक ऐसी टीम बन चुकी है जिन्होंने एक भी मैच हारे बिना फाइनल का मुकाबला जीता है, यानी कि शुरुआती पहले मुकाबले से लेके आखिरी मुकाबले तक एक भी मुकाबला को बिना हारे फाइनल का मुकाबला जीतने वाली पहली टीम बनी टीम इंडिया। तो एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पे बने और भी बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीम इंडिया ने फर्स्ट में बैटिंग जो तो चुनी, फर्स्ट में बैटिंग करने के लिए आए विराट कोहली और रोहित शर्मा। जहाँ पे विराट कोहली की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने पारी खेली, 59 बॉल में 76 रन, यानी कि 59 बॉलों में 76 रन, जिसमें से अगर बात करें तो 2 छक्के हैं और 6 चौके के साथ में 76 रनों की पारी खेली। बहुत ही शानदार, वर्ल्ड कप में ऐसी पारी की जरूरत थी जो कि बहुत ही जबरदस्त थी। आगे अगर बात करें यहाँ पे तो 31 बॉलों में 47 रन अक्षर पटेल ने बनाया। जब पारी टीम इंडिया की लड़खड़ा गई थी, मैंने देखा था जब 3 विकेट गिर चुके थे, तब अक्षर पटेल और विराट कोहली ने जम के यहाँ पे बैटिंग की और कहीं ना कहीं एक टीम इंडिया को सही मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके बाद शिवम दुबे आते हैं, शिवम दुबे नाम का जो विस्फोटक आते हैं कि बाप रे क्या खेलते हैं, 16 बॉल में 27 रन, 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने भी लगाया। फिर इसके बाद हार्दिक पांड्या, नाबाद 2 गेंदों में 5 रन और रविंद्र जडेजा 2 गेंदों में 2 रन बनाते हैं लास्ट में। बाद में वो कैच लास्ट वाले बॉल पे जैसे ही मारते हैं कैच हो जाता है आखिरी बॉल पे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा निराश अगर किसी ने किया तो रोहित शर्मा 5 गेंदों में मात्र 9 रन बना के। लेकिन रोहित शर्मा का भी एक अहम योगदान है टीम इंडिया को फाइनल मुकाम तक लाने की, और रोहित शर्मा को जहां जहां पे जरूरत थी वहां पे रोहित शर्मा का बल्ला चला था। आज विराट कोहली का बल्ला चला, हालांकि पूरे इस मैच में अगर बात करें तो विराट कोहली का बल्ला नहीं चला था, लेकिन आज विराट कोहली फाइनल में विराट कोहली का बल्ला चला। सूर्य कुमार यादव से उम्मीद थी कि इस मुकाबले में जो कुछ शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं, बढ़िया खेल सकते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव नहीं खेल पाए बहुत बढ़िया, 4 गेंदों में मात्र 3 रन बनाए। ऋषभ पंत से उम्मीद था कि ऋषभ पंत फाइनल मुकाबले में कि बढ़िया स्कोर खड़ा करेंगे, तो वो भी 2 गेंदों में 0 पे आउट हो गए। तो ये टीम इंडिया की तरफ से था। यहाँ पे बॉलिंग लाइन की अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा विकेट निकाले हैं यहाँ पे महाराज, 3 ओवर डाल के 23 रन दिए हैं और 2 विकेट चटकाए हैं। साथ ही साथ में नोखिया की बात करें तो 4 ओवर डाल के मात्र 26 रन दिए हैं और 2 विकेट इन्होंने भी चटकाए हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे मार्को को 1 विकेट मिली है और रबाड़ा को भी 1 विकेट मिला है। तो ये कुछ इस प्रकार से 176 पे 7 विकेट खोके 176 रन 20 ओवर में टीम इंडिया बनाती है। और फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका के बैट्समैन बैटिंग करने के लिए। एक टाइम पे तो ऐसा आया जब 30 बॉलों में मात्र 30 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए था जीतने के लिए, वो तो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन यहाँ पे रेजा और क्वांटरी कॉक ये दोनों बैटिंग करने के लिए आते हैं। राजा तो बहुत जल्दी बुमराह के बॉलिंग में फर्स्ट में ही आउट हो जाते हैं, वहां तक तो ठीक ही था, लेकिन इसके बाद क्वांटिट कॉक ने जो 31 गेंदों में 39 रन की पारी, जिसमें से 4 चौके और 1 छक्का शामिल है, वो पारी बाकी काबिले तारीफ था। लेकिन अर्शदीप की बॉलिंग में कुलदीप यादव को कैच थमा बैठते हैं क्वांटिट कॉक, लेकिन लास्ट में सबसे उनका भी विकेट गिरता है। मार्करम आते हैं, देखिए अगर एक छोर में राजा जैसे ही आउट होते हैं उसके बाद में मार्करम आते हैं, 5 गेंद खेलते हैं, मात्र 4 रन बना के आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर बाद में टी स्टब्स आते हैं, 21 गेंद 31 रन 3 चौके और 1 छक्के जबरदस्त पारी खेलते हैं। फिर इसके बाद में जो तूफान साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से आता है, बाप रे बाप, हेनरी क्लासन आते हैं ना कि बिल्कुल पूरी तरीके से छा जाते हैं, गेम के दृष्टिकोण को बदल देते हैं पूरी तरीके से। टीम इंडियन जितने भी फैंस थे टीम इंडिया के, सबके मन के अंदर में यह आ जाता है कि कहीं ना कहीं अब टीम इंडिया नहीं जीतेगी, मात्र 30 गेंद रह जाते हैं और 30 गेंदों में 30 रन चाहिए होता है साउथ अफ्रीका को। बहुत ही क्लोज उनके हाथ में मैच, टीम इंडिया के हाथ से मैच निकल चुका था उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया बिल्कुल नहीं जीत पाएगी। लेकिन जो कमबैक किया इसके बाद में, जो अगर यहाँ पे बात करें
कि बुमराह ने बॉलिंग किया, फिर इसके बाद में हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग किया। हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा योगदान है, आखिरी आखिरी ओवर में जो बॉल किया था और उसके पहले बुमराह ने जो बॉल किया था वो बहुत बड़ा योगदान था। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हेनरी क्लासन, लेकिन हेनरी क्लासन भी हार्दिक पांड्या के हाथों ऋषभ पंत को ऐसे पीछे ही जैसे बॉलिंग करते हैं ना पीछे कट होके ऋषभ पंत को मिल जाते हैं कैच, और हेनरी क्लासन का जैसे विकेट गिरता है तो टीम इंडिया में जान आती है और टीम इंडिया कहीं ना कहीं अगर बिल्कुल जीत के नज़दीक पहुंच जाती है। लेकिन हेनरी क्लासन का वो जो लगातार दो दो छक्के दो दो चौके आखिरी ओवर में यहाँ पे जो अक्षर पटेल को 24 रन बनाते हैं ना एक ही ओवर में 24 रन का ताबड़तोड़ खेल जाते हैं, तो यहाँ पे तो पूरी तरीके से गेम को बदल देते हैं। लेकिन इसके बाद में हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा ने बॉलिंग दिया और रोहित शर्मा ने विश्वास जताया था और हार्दिक पांड्या के फर्स्ट वाले में ही हेनरी क्लासन जो तो आउट हो जाते हैं, अपना विकेट दे बैठते हैं, ऋषभ पंत जो तो कैच ले लेते हैं। फिर इसके बाद में आगे मार्को आते हैं, इनको भी बुमराह आउट कर देते हैं। केशव महाराज आते हैं, फिर इसके बाद केशव महाराज चलने लगते हैं, कैसी को रबड़ आते हैं, लास्ट में इनको भी हार्दिक पांड्या चलता करते हैं आखिरी ओवर में। आंडिस नोकिया आते हैं, मात्र एक रन बना पाते हैं। इस प्रकार से साउथ अफ्रीका की जो जर्नी होती है 169 रन पे ही 20 ओवर में सिमट जाती है 8 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद जो तो जीत जाते हैं टीम इंडिया और बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होता है और था सेलिब्रेशन का ये जश्न मनाने का समय आ चुका था क्योंकि टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। 150 मतलब 150 करोड़ लोगों की जो तो भावना जुड़ी हुई थी, बहुत सारे टीम इंडिया के जो फैन थे उनकी भावना जुड़ी हुई थी, जितने भी लोग थे सभी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप उठाते हुए देखना चाहते थे। इतने क्लोज होने के बावजूद अगर हार जाती टीम इंडिया तो क्या होता एक प्रकार से समझ सकते थे। यहाँ पे विकेट फाल की अगर बात करें तो 7 रन पे पहला विकेट गिरा था, 12 रन पे दूसरा विकेट गिरा था साउथ अफ्रीका का, जो कि एक बहुत बड़ा योगदान था। अगर बात करें वहीं पे तीसरा रन 170 रन पे तीसरा, 106 रन पे चौथा विकेट गिरता है, 151 रन पे पांचवा, 156 रन पे छठवां, 161 पे सातवां और 168 पे आठवां। सबसे बड़ा योगदान की अगर बात करें यहाँ पे हार्दिक पांड्या 3 ओवर मात्र 20 रन देके 3 विकेट चटकाते हैं, एक बहुत बड़ा योगदान है। वहीं पे अर्षदीप सिंह को भी 2 विकेट मिलता है, जसप्रीत बुमराह को भी 2 विकेट मिलता है, अक्षर पटेल 4 ओवर 49 रन मात्र 1 विकेट मिलता है, कुलदीप यादव 4 ओवर 45 रन देते हैं एक ही विकेट उनको नहीं मिलता है, रविंद्र जडेजा एक ही ओवर में 12 रन पिटा जाते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के सब बैलेंस ही था, बैटिंग भी बैलेंस थी अपनी और बॉलिंग भी बैलेंस थी। कहीं ना कहीं ये मन के अंदर में एक डर की भावना भी थी कि ये मैच हम लोगों के हाथ से निकल ना जाए और हार ना जाए, लेकिन सबकी दुआएं साथ में थी और हमने इस मुकाबले को जीत लिया है। पूरी तरीके से सेलिब्रेशन का दिन था, आज सेलिब्रेशन हो रहा है बहुत ही जबरदस्त। टीम इंडिया के अगर विकेट पतन की बात करें यहाँ पे तो 23 रन पे पहला विकेट गिरता है रोहित का, इसके बाद में दूसरा विकेट 23 रन पे गिरता है, दूसरा पंत का 0 पे ही पंत आउट हो जाते हैं, फिर सूर्य कुमार यादव का तीसरा 34 रन पे गिरता है, अक्षर पटेल का 106 रन पे गिर जाता है, फिर विराट कोहली 18.5 ओवर 163 रन पे गिरते हैं, शिवम दुबे 174 रन, रविंद्र जडेजा 176 रन। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी पार्टनरशिप की अगर बात करें तो विराट कोहली अक्षर पटेल के बीच में जबरदस्त पार्टनरशिप हुई थी, फिर विराट कोहली शिवम दुबे के बीच में पार्टनरशिप हुई थी, शिवम दुबे रविंद्र जडेजा के बीच में पार्टनरशिप हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये मैच बहुत ही इंटरेस्टेड हो चुका था, बहुत ही जबरदस्त बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैच था और इस मैच को जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि यहां तक पहुंची थी टीम इंडिया, एक भी मुकाबला बिना हारे तो टीम इंडिया को यह वर्ल्ड कप उठाना था और टीम इंडिया ने उठाया भी वर्ल्ड कप। बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया को हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से और हमारे जितने भी दर्शक हैं चैनल के उन सब की तरफ से। टीम इंडिया के जीतने की खुशी में एक लाइक तो बनता ही है और जो नए हैं पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ में ये अपना एक लाइक जरूर दें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि बहुत खुशी के साथ में इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ तो आपको भी खुशी जरूर हुई होगी और खुशी हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।